दुकान में ना हम हर उस अदृश्य इंसान के बारे में एक्चुअली बात कर रहे हैं, बात सरोगेसी की है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे गायब है ना, हम कहते हैं कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स के या बड़े बड़े डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के बच्चे सरोगेसी से हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता इस बारे में। हम सिर्फ पढ़ते हैं अखबार में, सो एंड सो गेट्स अ सन और अ डॉटर विद सरोगेसी, वी नेवर नो कहाँ से हुआ, क्या हुआ, प्रोसेस क्या था। तो अगर नाम भी नहीं लेना, प्रोसेस के बारे में खुल के बात करनी चाहिए, मुझे लगता है उसमें कुछ गलत नहीं है। एक्चुअली मिमी तो एक मराठी फिल्म का रीमेक था, जो मला आई वाई चे जो फिल्म थी, बट उसमें कमर्शियल सरोगेसी का एस्पेक्ट हमको, मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लोर किया गया, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक बिजनेस था, ये 1300 करोड़ की एक इंडस्ट्री है जो कि गुजरात में चलती थी। उनके जैसा कोई नहीं है। एक लाइन की वैल्यू समझना, जैसे एक सीन कभी पढ़ा जाए तो उस पर उठ के तालियां मारने लगना, ये संजय बंसाली कर सकते हैं। और वो क्रिएटिव इंसान को इतनी रेस्पेक्ट करते हैं जो कोई नहीं करता, जो ये शायद बातें यहाँ नहीं आती मीडिया तक, बट उनका यही आता कि फोन तोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया और ये सब। यहाँ पर जिस तरीके से राइटर्स को हम या तो रेन्यूमरेशन कह लो, जो हम पैसे भी देते हैं, या उनके क्रेडिट, उनको क्रेडिट नहीं देना, ये वजह है कि लोग राइटिंग करने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं होते हैं इंडस्ट्री में। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कारण, यू आर वाचिंग मी ऑन ईएनटी लाइव, और आज मेरे साथ है एक ऐसी फिल्म के, या मैं बोलूँ राइटर्स, डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, बिकॉज मुझे लगता है ये सारे काम, सारे बड़े बड़े काम इन्होंने ही संभाले हैं। फिल्म आ रही है जिसका नाम है दुकान। ट्रेलर नहीं देखना तो ज़रूर देखना, क्योंकि उसकी कहानी आपको बहुत दिलचस्प लगने वाली है, ट्रेलर से ही अच्छी लगेगी। हाय सिद्धार्थ, हाय गरिमा, हाउ आर यू डूइंग? हाय, वी आर वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। और एक ट्रेलर लेकर आ गए हो जिसने बड़े सारे सवाल भी खड़े किए हैं लोगों के मन में, एंड दिस इज समथिंग जिससे मुझे लगता है स्पेशली फीमेल्स बहुत इमोशनली ड्रिवन फील कर रही हैं, बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स है। पहली बात तो ट्रेलर में हम पीछे भी देख सकते हैं, बहुत सारी फीमेल्स हमें दिखाई दे रही है। टॉपिक आपने उठाया सरोगेसी, हाउ डिड दिस आइडिया कम अबाउट, कब सोचा कि इसके ऊपर कुछ बनाना है और इस तरह से प्रेजेंट करना है? ओके, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये आइडिया 2010 से हमारे पास है, मतलब मैं और सिद्धार्थ ये बात किया करते थे कि यार हमको इस टॉपिक पे जरूर फिल्म बनानी है, और उसका रीज़न ये है कि सरोगेट की जो कहानी होती है ना, वो एक राइटर की कहानी से वो डिफरेंट नहीं होती। मतलब हम लोग भी स्क्रिप्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं और एक प्रोड्यूसर को हैंड ओवर कर देते हैं, तो इट्स लाइक अ बेबी। वो एक था मेन, तो वहाँ से आइडिया आया। तो फिर हमने जाके गुजरात में रिसर्च किया, तो देखा कि वहाँ पे तो 30-35 प्रेग्नेंट औरतें एक ही घर में रहती हैं। एक बिजनेस है, तब तक इलीगल नहीं थी सरोगेसी इंडिया में, तो खुले में होता था, ज्यादा फिरंगी दिखते थे हमको वहाँ पे। तो इंडियन कपल्स भी दिखते थे, इंडियंस भी बहुत थे, तो हमें उस मजा आया ये देखने में कि होता क्या है, क्योंकि कहने के लिए तो ये एक बिजनेस है लेकिन इसमें इमोशन तो होना ही होना है ना। आप 9 months किसी का बच्चा पेट में रख रहे हो, तो उसके बाद आप उसे हैंड ओवर कर दे रहे हो कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही मिनटों में, तो वो फीलिंग क्या होती है, ये एक्सप्लोर करने हम निकले थे और फिल्म बन गई। ओके, अच्छा, कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी मिमी, कृति सानन की फिल्म थी, उस फिल्म को बहुत पसंद किया गया और उनको कई अवार्ड्स भी मिले। डू यू फील कि उस तरह का रिस्पांस आपकी फिल्म को भी मिल सकता है, बिकॉज़ वो भी, ये भी उसी लाइन पर जा रही है? एक्चुअली मिमी तो एक मराठी फिल्म का रीमेक था, जो मला आई वाई चे जो फिल्म थी, बट उसमें कमर्शियल सरोगेसी का एस्पेक्ट हमको, मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लोर किया गया, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक बिजनेस था, ये 1300 करोड़ की एक इंडस्ट्री है जो कि गुजरात में चलती थी, जो कि अब बैन हो गई है। तो इट इज नॉट अ पर्सनल सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी, इट इज ऑल्सो अबाउट द सरोगेट इंडस्ट्री दैट स्टार्टेड इन इंडिया। तो हाँ, मिमी को रिकॉग्निशन मिला, अच्छी बात है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल फिल्म थी मला आई वाई चे, वो भी बहुत एक खूबसूरत फिल्म थी, जर्म वहीं से आया। तो मैं कहूँगी कि दुकान एक ओरिजिनल कहानी है, और इसका जो अप्रोच है, जो हमारा सॉन्ग एंड डांस है पिक्चर के अंदर, जो कलर आप देख रहे हैं ट्रेलर के अंदर, तो वो बहुत हमें लगता है कि पसंद करेगी ऑडियंस, मतलब हम चाहते हैं कि वो आए, निकल के थिएटर्स में देखें फिल्म को। तो आप लोगों ने मोनिका पनवर को, फर्स्टली कास्टिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट, एंड मोनिका पनवर को हमने कई रोल्स पहले करते हुए देखा, बट आई थिंक इस तरह का इतना स्ट्रॉन्ग रोल लीड करते हुए, ये हमारा शायद फर्स्ट टाइम होने वाला है कि हम उनको ऐसे रोल में देख रहे हैं, ये शायद उनका भी फर्स्ट टाइम होने वाला है इस तरह से, क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं, एंड विद द कमिंग अप ऑफ ओटीटी स्पेशली, हम बहुत सारे एक्टर्स के टैलेंट को एक्चुअली में देख पाए अच्छे अच्छे रोल्स में करते हुए, बट इस तरह का लीड में लेकर आना, विच इट वॉज अ ग्रेट थिंग, एंड आई थिंक आपके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क रहा होगा, आपको भी टाइम लगा होगा, तो कास्टिंग में कुछ इशू हुआ था जब कास्ट कर रहे थे? जी, कास्टिंग में अलग अलग तरह के बहुत सारे इश्यूज हुए थे, जैसे कि कोई हीरोइन करना नहीं चाहती थी पहली बात, क्योंकि उनको लगता है ये ग्लैमरस नहीं है प्रेग्नेंट होना, तो वो एक रीजन रहा। फिर हमने जमतारा देखा और हमें लगा कि अब तो शायद अगर
यू नो अगर आलिया भी आ जाए तो हम नहीं करेंगे, हम मोनिका के साथ ही फिल्म बनाएंगे, वो हमारा डिसीजन था फिर। बिल्कुल, और रिस्क तो मतलब उस तरह की ली। मैं आपको बताऊं अगर तो बड़ी दिलचस्प कहानी है कि हम लोगों ने मोनिका को देखा, हमने उसका ऑडिशन किया, ऑडिशन बहुत बढ़िया लगा, फिर हमने डिसाइड किया कि यार हमें इस लड़की के साथ पिक्चर बनानी है। तब तो कोई प्रोड्यूसर नहीं था, तो हमने उनके साथ एक फोटोशूट की, उसका पोस्टर बना के हम लोगों ने बॉम्बे में एक जुहू सर्कल पे, एक ही होर्डिंग के पैसे थे हमारे पास, हमने वो होर्डिंग लगा दी मोनिका के साथ। अच्छा। और आप मानोगे नहीं क्या रिस्पांस आया उसके ऊपर हमको। तो मतलब वो रिस्क वर्थ टेकिंग होगी, क्योंकि सब प्रोड्यूसर्स का इंटरेस्ट आ गया कि यार तुम क्या दिखाने वाले हो इस सरोगेसी में, यू नो। तो वो था दुकान का पहला पोस्टर मोनिका के साथ। ओह वाओ, एंड आई थिंक ट्रेलर से ही कहीं ना कहीं वो चीज ग्रैब कर ली गई है, अटेंशन मिल चुकी है लोगों को, बिकॉज लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों जिन्होंने देखा है, अच्छे कॉमेंट्स भी आ रहे हैं, तो वो है। बट बॉलीवुड में भी सरोगेसी है, डू यू वॉन्ट टू शेयर समथिंग अबाउट दैट एज वेल? वो भी एक एक्चुअली हमारा सॉर्ट ऑफ एक मुद्दा हम टच करेंगे फिल्म के अंदर, कि यू नो इतने लोग सरोगेसी कराते हैं पर किसी को आपको लोग मतलब हम लोगों तक ये बात नहीं आती कि किस कौन है सरोगेट, कि क्या शायद उनके अपने रीजंस रहे होंगे। मतलब हम यही बात हो जाती है ना यार कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं अपनी सरोगेट का नाम नहीं लेना चाहता, तो फिर मेरा भी फ्रीडम ऑफ वो होना चाहिए ना कि मेरा नाम क्यों नहीं आता, तो मैं क्यों नहीं, अगर मैं सरोगेट हूं तो मैं क्यों ना लड़ूं उस नाम के लिए। मैं आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आप पैसे मैं आपसे मांगूंगी नहीं, जो आपने दे दिए बस वो फाइनल हो गया, मैं आपकी जायदाद में हिस्सा नहीं मांगूंगी। तो फिर क्या है बात, जब लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि भाई दुकान में ना हम हर उस अदृश्य इंसान के बारे में एक्चुअली बात कर रहे हैं, बात सरोगेसी की है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे गायब है ना, हम कहते हैं कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स की या बड़े बड़े डायरेक्टर्स के प्रोड्यूसर्स के बच्चे सरोगेसी से हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता इस बारे में। हम सिर्फ पढ़ते हैं अखबार में सो एंड सो गेट्स अ सन और अ डॉटर विद सरोगेसी, वी नेवर नो कहाँ से हुआ, क्या हुआ, प्रोसेस क्या था। तो अगर नाम भी लिया जाए, प्रोसेस के बारे में खुल के बात करनी चाहिए, मुझे लगता है उसमें कुछ गलत नहीं है। आई डोंट थिंक किसी का कुछ जा रहा है ये कहने में कि यार सो एंड सो, सपोज शांता नाम है अगर आपकी सरोगेट का, उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया, उस बेचारी को एक नाम मिल जाएगा, शायद वो उसका असली नाम भी नहीं होगा, बट एक रिकॉग्निशन मिल जाएगा, यू नो कि ये हुआ था। सो आई थिंक एक हेल्दी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सरोगेट्स के राइट्स बेहतर होने चाहिए इस देश के अंदर। मतलब सब कुछ जो फेमिनिज्म से रिलेटेड होता है वो इतना बड़ा टैबू क्यों हो जाता है हमारे देश में, मुझे ये लगता है कि जैसे कि अब सरोगेसी है, कमर्शियल सरोगेसी है, एक औरत की पर्सनल चॉइस है कि वो अपनी कोक को बेच के पैसा कमाना चाहती है, तो वो क्यों नहीं कर सकती ये काम, उसको बैन क्यों कर दिया जाता है, ये भी सवाल है। मतलब हम ये सरकार के अगेंस्ट नहीं कह रहे, बट आप उसको रेगुलराइज कर सकते हो ना, आप बोल सकते हो कि ये सरोगेट है, ये एक औरत है, इसके ये राइट्स हैं, एक नॉर्मल सिटीजन वाला राइट दे दो आप, उसको बैन करने से क्या हो जाएगा, मतलब इतने लोगों के घर बंद हो गए ना, तो वो सवाल भी हम फिल्म के अंदर। बिल्कुल, दुकान में हम यही मुद्दा बेसिकली लेकर चले हैं कि रेस्पेक्ट और कुछ नहीं, पर हर वो इंडिविजुअल जो एक काम पर्दे के पीछे कर रहा है उसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एक्चुअली फिल्म का मोटा माटी यही एक वन लाइनर है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि आप लोग हमेशा सोशल इश्यूज से रिलेटेड ही काम करते आए हो? क्या ये दोनों की कॉन्शियस चॉइस रही है? कभी ऑनर किलिंग है, कभी टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म है, यू नो, जिसने हमें बहुत इंपॉर्टेंस दिखाई हाइजीन सैनिटेशन को लेकर, देन अब यहाँ पर अब सरोगेसी को लेकर आए हो, तो ये क्या टीम ही ऐसे बनी थी आप दोनों की हमें सोशल इश्यूज के ऊपर ही काम करना? नहीं, एक्चुअली ये जो न्यूज वाला जो सेगमेंट है ना, हमको लगता है कि फिल्म्स इतने अच्छे से उसका एक मीडियम बन सकता है। बिल्कुल, कि फिल्म्स से आप जनता को एजुकेट कर सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो, उनको अवेयर करा सकते हो कि भाई आप ये यू नो आप घर में टॉयलेट बनाओ, तो व्हाई नॉट, और हंसते खेलते मजाक में कर सकते हो तो क्यों नहीं। बिल्कुल, भाषण देने की क्या जरूरत है। सही बात है, मतलब लोगों को टॉयलेट जब हम लोग बना, जब सिडोर मैंने कॉन्सेप्ट क्रैक किया था और हम लोग प्रोडक्शन हाउसेज में लेके जा रहे थे, तो लोगों को लगता था यार ये डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे क्या, हम कहते थे नहीं भाई बहुत एंटरटेनिंग पिक्चर बनेगी, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो हमारा कोशिश ये होती है कि एक मुद्दा तो कहें, क्योंकि सिनेमा इतना जबरदस्त मीडियम है लोगों तक पहुंचने का, तो हमें लगता है उसको अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए कि सिर्फ फिल्म पैसे भी कमाए और कुछ कह के भी जाए, ये एक कॉन्शियस चॉइस होती है। ओके, बट आई एम रियली इंट्रीग्ड टू नो कि ये जोड़ी कैसे बनी है, बिकॉज दो लोग बहुत ही क्रिएटिव लिखते भी हैं, लिरिसिस्ट रहे हैं, और अब डायरेक्शन में भी वेंचर कर रहे हैं, तो ये जोड़ी एक्चुअली बनी कैसे, दो क्रिएटिव हेड्स कैसे मिले थे, मुझे जानना है पहली बार। हम मिले रेडियो में थे मैम, और हमें लगा कि एक दूसरे के बाल नोचे बिना, थप्पड़ अपड़ मारे बिना हम लोग काम कर सकते हैं, तो हमें लगा कि अब कर लेना चाहिए, इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। मतलब तो बहुत मुश्किल है कि दो राइटर्स की आपस में बने,
तो सबसे पहले तो ये समझ में आया है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल एडमिरेशन है काम के लिए दूसरे के, और हम भले ही लड़ झगड़ के एक चीज जब तैयार करते हैं फिर दुनिया के सामने हम लड़ लेते हैं उसके लिए दो लोगों से कि यार ये हमने बनाई है और ये इसमें एक कमाल की बात हो सकती है. तो वो क्रिएटिव मैं कहूँगी कि बहुत ब्लेस्ड बात है. एंड येस अ लॉट ऑफ वर्क गोज इन टू मेंटेनिंग अ पार्टनरशिप लाइक दिस, बिकॉज आपको जैसे क्रेडिट के लिए लड़ाई नहीं करते हम कभी, कौन सी लाइन मेरी कौन सी लाइन मेरी, ये सारी चीजें कभी नहीं होती. और इट्स एवरी डे ऑफ वर्क आई वुड से, बट हम बहुत लकी और ब्लेस्ड मानते हैं खुद को कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है हमारी. ऐसी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप से हम लोग कंटेंट लाते रहेंगे आपके सामने. मतलब कहानियों की तो कभी कमी नहीं होती है. ये जहाँ जाते हैं वहाँ कहानी मिल जाती है, साथ में लेकर चले जाते. बिल्कुल, अगली 10 रेडी है हमारे पास कहानियां. यहाँ से कुछ मिल जाए हमें आपके साथ, तभी मैं बोल रही हूँ. जहाँ जाते हैं तो आप लेके जाते हो या वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल जाता होगा. आई एम श्योर ऐसा होता होगा. अच्छा, आपकी अगर फिल्मोग्राफी देखे तो यू हैव एक्सटेंसिवली वर्कड विद संजय लीला भंसाली एज वेल, एंड एज वी ऑल नो या फिर हमें जो हम तक जो बातें पहुंचती है वो ये पहुंचते दैट ही इज वेरी स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर, वेरी पर्टिकुलर, ही इज अ परफेक्शनिस्ट. एंड आप दोनों ने तो बहुत क्लोजली उनके साथ काम किया है, जैसे पद्मावत है, रामलीला है, एंड देयर वाज वन मोर आल्सो आई गेस बाजीराव मस्तानी. सो बहुत क्लोजली काम किया है. टेल अस समथिंग अबाउट हिम. क्या जो बातें आती है वो सच है? वो तो सच है, देखो सारी ही सारी सच है. पर उसके अलावा ये भी सच है कि वो बहुत ज्यादा फनी है. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर एक बहुत ही मतलब पहुंची हुई चीज है वो, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर के मामले में तो हंसी आती है उनके साथ जब भी बैठो तो. और वो क्रिएटिव इंसान को इतनी रिस्पेक्ट करते हैं जो कोई नहीं करता, जो ये शायद बातें यहाँ नहीं आती मीडिया तक, बट उनका यही आता कि फोन तोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया और ये सब. हाँ, मतलब मेरे ख्याल से लोग हेडलाइन उसी चीज की बनती है. कोई ये नहीं कभी कहता कि संजय लीला भंसाली के साथ काम करना एक फिल्म स्कूल के जैसा साबित हो सकता है. इतना मजा आता है उनके साथ काम करने में. मतलब मेरे को सिद्धार्थ को तो आज तक जो एक्सपीरियंस हुआ है, ऑफ कोर्स इट इज स्ट्रेसफुल, इट इज लाइक रनिंग अ मैराथन विद हिम, बट जब वो गाना बन के निकलता है या वो जब सीन बन के निकलता है तो आप एज अ राइटर भी कहते हो कि यार वाह, जस्टिस की इस आदमी ने. और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जैसा सिद्ध ने बताया, वो इतने मजाकिया है, इतना मजा आता है उनके साथ में. वो अभी इन दिनों दुकान के जब प्रोमोज आ रहे हैं तो वो फोन करते हैं, काफी चेयरफुल उन्होंने हमको किया हुआ है कि टेंशन मत लो, रिलीज है, मुझे पता है. सो यू नो ये एस्पेक्ट किसी को पता नहीं है उनका, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्राइवेट इंसान है, वो लोगों के सामने ये कहना पसंद नहीं करते. बट आई वुड से ऑल इन ऑल क्रिएटिव जीनियस, उनके जैसा कोई नहीं है. एक लाइन की वैल्यू समझना, जैसे एक सीन कभी पढ़ा जाए तो उस पर उठ के तालियां मारने लगना, ये संजय भंसाली कर सकते हैं. हमें तो वो सैटिस्फैक्शन कहीं और मिलता ही नहीं है. एंड तभी आपने उनका बैक टू बैक काम भी किया. बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज़ आपको लगता है ना पैसों के लिए नहीं, तारीफ के लिए. तारीफ के लिए किया है. पैसे तो आ जाते हैं, ठीक है, तारीफ इज वेरी वही पैसे हैं. अच्छा, रिसेंटली हमने रोहित शेट्टी का इंटरव्यू लिया था और इंडियन पुलिस फोर्स के लिए वो दिल्ली आए हुए थे. तो उन्होंने ना एक बात बोली, एंड देयर वर मेनी स्टूडेंट्स इन दैट सेशन. उन्होंने एक बात जब उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में किस चीज की कमी है जहां पर हम लोग लैक करते हैं, बॉलीवुड की स्पेशली अगर हम बात करें, तो उन्होंने बोला हमारे पास अच्छे राइटर्स की कमी है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिकॉज आप दोनों राइटर्स रहे हैं, कि आपको लगता है कि एक्चुअली में अच्छी राइटिंग कम है आसपास? सो राइटर्स का जो ट्रीटमेंट है ना सोनाक्षी, यहाँ पर जिस तरीके से राइटर्स को हम या तो रेन्यूमरेशन कह लो, जो हम पैसे भी देते हैं, या उनके क्रेडिट, उनको क्रेडिट नहीं देना, ये वजह है कि लोग राइटिंग करने के लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं इंडस्ट्री में. इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एकदम लोनली जॉब है. आप एक लैपटॉप लेके कमरे में घंटों के लिए अकेले बैठे हुए हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब टाइम आता है रिलीज का या जब एक फिल्म पे क्रेडिट देने का, उस वक्त राइटर को उसका ड्यू नहीं मिलता. तो कैसे अच्छे राइटर्स होंगे इंडस्ट्री में? कैसे आप जिस तरह के पैसे उन्हें देते हैं वो तो बिल्कुल फिल्म के बजट से कहीं नीचे. यार तुम्हारे लिए तो पैसे नहीं है, इसका बजट नहीं हमारे पास, एक्टर का है, बाकी सब चीजों का है, यू नो. सो दैट इज नॉट फेयर. सो दैट मोमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट्स बीइंग फेयर विद राइटर्स, वी विल स्टार्ट गेटिंग गुड राइटर्स, वी विल स्टार्ट एनकरेजिंग पीपल टू कम. करेक्ट, बिल्कुल सही है. जैसे अब आप यूट्यूब भी देख लें तो वहां पे लिखा होता है कि ये फिल्म, जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है बोल्ड में, वहाँ पे किसी फिल्म राइटर का आप नाम नहीं देखोगे, कभी नहीं देख पाओगे. मेनली डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, जो कि दिख भी रहा है स्क्रीन के ऊपर. एक्टर का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है उसमें, मुझे हमको लगता है वो फिल्म में दिख रहा है, उसका चेहरा है. जिसका चेहरा नहीं है उसका क्रेडिट होना चाहिए वहाँ पे. तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, दुकान ना एक्चुअली हर उस इंसान की कहानी है, एक राइटर की कहानी है जिसे क्रेडिट नहीं मिलता. बात कह रहे हैं सर्विसी के जरिए, लेकिन बात वही कह रहे हैं हम लोग. ओके, अपना वही निकाला है मतलब. इसीलिए डेब्यू फिल्म यही है. समझ के. अच्छा, एक और चीज भी है कि आजकल बैक टू बैक रीमेक्स बन रहे हैं, वैसे जो की है तमिल, अभी हमने बात की मीमी भी एक थी, तो ऐसे बहुत सारी फिल्में बन रही है. आपको लग रहा है कि एज राइटर कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जब आप लोग रीमेक पर काम कर रहे हो, आप अपने इनपुट्स अलग से नहीं दे पाते? एब्सोल्युटली बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होती है क्रिएटिविटी. ओरिजिनल स्टोरी का जो मजा है कि एक कहानी मैंने आपको सुनाई और आपने कहा बढ़िया कहानी है, इसको बनाते हैं.
वर्सेस आप एक कहानी सुन चुके हो, हम उसे वापस बनाते हैं, उसकी अपनी एक मेरिट हो सकती है, लेकिन एज क्रिएटर्स हमें ज्यादा एक्साइट नहीं करती वो बात, हमें बहुत लिमिटिंग लगती है. आपने सही कहा, दायरा सीमित हो जाता है, इसी में रह के खेलना है, यू नो. सो वो एक चीज है जो कि हम ना तो सॉन्ग्स में, जो आप हमारे गाने भी देखोगे, हम हमेशा ओरिजिनल लिखना पसंद करते हैं. हम कभी भी ये नहीं, बहुत बॉलीवुड में आते हैं ऐसे ऑफर्स की, यार इसका रीमेक लिख दो, मुखड़ा यहाँ से ले लो, बाकी अंतरा बना लो, तो हम भाग जाते हैं. होता है ऐसा, मजा नहीं आता करने में. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. या तो आप पूरी तरह कर रहे हो कोई चीज, बिल्कुल अधूरा. और वैसे भी बॉलीवुड में ये ट्रेंड है कि आप फॉलो करते हो, आप क्रिएट करके बेंचमार्क सेट नहीं करते हो, आप फॉलो करते हो. अभी साउथ का आइडिया चल रहा है कि हीरो ऐसा और माचोइज्म चल रहा है, तो बस उसी पे चलेंगे. अब सारे लोग वही ट्रेंड को फॉलो करेंगे. थोड़े दिन के बाद वो चेंज होकर वापस कोरियन फिल्म्स पे चले जाएंगे, फिर कोरियन फिल्म्स पे चले जाएंगे. मतलब तो वो बात, ये भी एक फैक्ट है कि हम जब अपना डेब्यू प्लान कर रहे थे तो बहुत लोगों ने कहा कि यार तुम लोग रीमेक क्यों नहीं कर लेते हो किसी साउथ फिल्म का, बड़े आराम से प्रोड्यूसर मिल जाएगा, एक्टर मिल जाएगा और तुमको सिर्फ डायरेक्ट ही तो करना है. तो हमने कहा नहीं यार, फिर तो कोई चैलेंज ही नहीं रहा इसके अंदर, कोई मजा ही नहीं है. अब अच्छा लग रहा है कि ओरिजिनल फिल्म लेकर आ रहे हैं तो कुछ नया दे रहे हैं पब्लिक को. अच्छा, क्योंकि अभी तक आप लोग राइटर्स रहे थे, लिरिसिस्ट रहे थे, डायरेक्शन में आपका अब डेब्यू हो रहा है, आई एम श्योर तैयारी पहले से चल रही होगी, लेकिन अब लगता है कि कहीं ना कहीं अब क्योंकि आप जो पहले कहानियां लिखते थे वो आप और डायरेक्टर्स के लिए लिखते थे, अब लगता है कि अब हम अपने लिए लिखेंगे और अब कहीं ना कहीं वो चीज़ मुड़ चुकी है, ऐसा है? नहीं, मैं ये कहूंगी कि अपने लिए जो लिखेंगे वो तो एकदम सेपरेट होता ही है, पर हम दूसरों के लिए लिखना हमेशा पसंद तो करेंगे ही, क्योंकि खास करके डायरेक्टर अगर संदीप रेड्डी वांगा, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो हो या संजय लीला भंसाली हो, क्योंकि वो आपकी राइटिंग के साथ जस्टिस करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए लिखने में मजा आता है. तो आई थिंक राइटिंग इज आवर फर्स्ट लव, वो तो बरकरार. और राइटर हैं तो राइटर तो रहेंगे ही, मतलब वो तो डायरेक्टर बन के ऐसा तो नहीं, अब हम डायरेक्टर बन गए ऐसा नहीं. गाने आएंगे, गाने भी लिखेंगे, गाने भी लिखेंगे. तो हमें संदीप रेड्डी वांगा का आपने नाम लिया है, सतरंगा वाज रिटन बाय यू गाइस, आई मीन आपको पता था इतना सक्सेसफुल होगा, बिकॉज़ लोगों को बहुत पसंद आया होगा गाना. हां जी, हम पता था, लेकिन हमको लगा था कि इतनी ज्यादा हिंदी है, जोगी मैं और गंगा और ये सब, मतलब शायद रेजोनेट ना हो लोगों के साथ. थोड़ा सा एक क्लासिक वाला फील देता है ना, जो जैसे राज कपूर साहब की फिल्मों में गाने आते थे वैसे. तो क्या अभी भी लिसनर हमारे देश का लिरिकल है, क्या लोग लिरिक्स पे जाते हैं? तो एक तरह से वी स्टैंड वैलिडेटेड कि हाँ, लोग सुनते हैं लिरिक्स को और अच्छी लिरिक्स को एडमायर किया जाता है, तो उसकी सक्सेस हमें ये चीज बताती है. हम खुश हैं कि ऐसी राइटिंग भी एडमायर की जा रही है. नहीं नहीं, आई थिंक बिल्कुल की जाती है. एंड कहीं ना कहीं आजकल जो डिबेट होती है स्पेशली यंगस्टर्स के बीच, तो वो यही होती है. और अगर बड़ों के साथ बैठ जाते तो वो डिबेट कहीं और ही चली जाती है कि पहले के जमाने में जो गाने होते थे उनके मतलब होते थे, आज के जमाने में जो गाने होते हैं उनके मतलब ही सिर्फ म्यूजिक होता है. तो मुझे लगता है वी नीड मोर ऑफ सच सॉन्ग्स जिनके मीनिंग्स हो, जिनके लिरिक्स अच्छे हो, सो दैट इज देयर. तो इसी तरह के गाने भी लाइए, इसी तरह की कहानियां भी लाइए, और इस तरह की कहानियां जरूर लेकर आइए, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है कि सोसाइटी कहीं ना कहीं, आपने बहुत सही बात बोली थी कि सिनेमा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल मीडियम. उसके जरिए लोग बहुत कुछ सीखते हैं. हर कोई पढ़ना चीजें पसंद नहीं करेगा, यू नो, एंड डिस्कशंस पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर सिनेमा में देखकर आ गए तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस जरूर हो जाता है. सो इस तरह की कहानियां और लेकर आइए. बट विद दैट, थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ एंड करिमा, थैंक यू, प्लेजर टैचिंग विद यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दुकान. थैंक यू सो मच. आप गाने भी जरूर सुनिएगा, अपने गानों की बात की है, दुकान के गाने बहुत स्पेशल हैं, एंड आई एम श्योर यू विल. हमने आज एक गाना और रिलीज किया है, तो अभी जस्ट YouTube पे गया है, मोहित चौहान जी ने गाया है. Love story nothing. So it will be a musical experience for people also. मतलब पूरी फिल्म में म्यूजिक बहुत है, क्योंकि हम लिरिसिस भी हैं. जी. तो for sure सब कुछ एक साथ मिल गया. So we hope he does really well as well. Yes. Thank you very much and all the very best. Thank you so much. It was lovely talking to you. Same here. Thank you. Thank you.